किस माइका लाल में ऐसा दम है जो बादशाह को हरा दे? कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मेरे हिसाब से मौसम बिगड़ गया है और पिक्चर आपको सोचने का मौका देगी नहीं। जितनी कोशिश उन्होंने कर दी थी, बायकॉट कर दीजिए पठान को, बायकॉट कर दीजिए बॉलीवुड को, मुझे लग रहा है बॉलीवुड की अभी तक की बेहतरीन फिल्म है। इंटरवल पे भी नहीं आप उठेंगे क्योंकि आपको लगेगा अगर आप इंटरवल पे उठ करके पेप्सी पॉपकॉर्न लेते हैं तो आप 2 मिनट का सीन कहीं ना मिस कर दे। तो शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित करके दिखा दिया है कि उनको कोई हटा नहीं सकता। बॉलीवुड पे वो बहुत देर से राज कर रहे थे, वो करते रहेंगे। अच्छा, जब करण अर्जुन आ जाते हैं स्क्रीन पे तो वो किसी तालियों की गूंज थी, लोग नाच रहे थे। भगवा रंग दिखाया गया है, बेशरम रंग भी दिखाया गया है और भगवा रंग के बाद 5 मिनट का और सीन है जिसमें उसे भगवा रंग पहना है। कोई सारे रंग खूबसूरत है, बेशरम रंग गाना गाना गाना, मैं फिर कोट कर दूं गाना क्योंकि आप लोग हमेशा गलत ही ले जाते हैं। तो बेशरम रंग का गाना भी दिखाया गया, भगवा रंग भी पहना और शाहरुख खान ने इस बार फिर साबित कर दिया कि वो बादशाह ही रहेंगे और बादशाह को कोई हरा सका है। किस माइका लाल में ऐसा दम है जो बादशाह को हरा दे? उस वक्त आपकी भावनाएं और आपकी सेंटिमेंट्स कब जाती है? जो कंगना जूता रखती है भगवा रंग पे तब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तब आपको पति नहीं होती। अगेन अगेन मैं बोलूंगी कंगना कुछ भी पहन लेगी, आप कंगना के भगवा पे पहनने पे, बिकनी पहनने पे तो आंखें सेकते हैं और यहाँ पे आपको पति होती है, यहाँ पे आपको सही नहीं लगता। दीपिका ने कर दिया, दीपिका बहुत खूबसूरत लग रही है। ये जो लोग बोलते हैं मुझे जलने की बू आती है उनसे, मुझे जलने की लिटरली बू आती है क्योंकि दीपिका को आप कंपेयर नहीं कर सकते उसकी खूबसूरती, वो बहुत सुंदर लग रही है। लोगों ने, जनता ने, उसके फैंस ने, ऑडियंस ने मुंह तोड़ जवाब सबको दे दिया है। जिन्होंने कहा था बायकॉट करो, किसी ने बायकॉट नहीं किया, सब सुबह आ गए यहाँ पे, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, 200 बंदा इकट्ठा हो गया, इतनी मुश्किल से अंदर एंट्री मिली और पिक्चर भी 15 मिनट लेट शुरू हुई क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत सारी इकट्ठी हो गई। और आप खुद भी देख रहे हैं यहाँ हाउसफुल का बोर्ड भी लगा हुआ है, टिकट्स आपको मिल नहीं रही है, लोगों ने जवाब दे दिया है लगा हुआ। आप देख लीजिए बीजेपी का चश्मा उतार रही है, जनता का चश्मा पहन लीजिए आप। मुझे लगता है ये ना बीजेपी का माइक लेकर के चलते हैं, कान तो आपके ठही थे, आंखें भी आपकी बीजेपी की होगी, आपको ना अंधे हो गए हो, वहाँ पे आपको हाउसफुल का बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो मूवी रिलीज हुई है, शाहरुख खान ने अपनी कला से अपने नफरती चिंटुओं की कर दी है बोलती बंद। उनको मुंह पे चपेट पड़ा है, बहुत बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि जितनी कोशिश उन्होंने कर दी थी, बायकॉट कर दीजिए पठान को, बायकॉट कर दीजिए बॉलीवुड को, मुझे लग रहा है बॉलीवुड की अभी तक की बेहतरीन फिल्म है क्योंकि जो परसेप्शन बनाई थी पठान की वो बिल्कुल उल्टी निकलेगी, वो वैसी है ही नहीं। और तभी आप देखिए सेंसर बोर्ड ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करा है, वो चाह करके भी कैंची नहीं चला पाए, लेकिन हाँ मुझे मालूम है कि किस परिस्थितियों में उनको थोड़ा सा दबाव था, उनको दबाव था। सेंसर बोर्ड किसका है, मेरा है या आपके माइक का है या बीजेपी का है? सेंसर बोर्ड किसका है? जब सेंसर बॉडी कैंची नहीं चला पाया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पिक्चर में ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था, जबरदस्ती का क्रिएट किया गया। और आप पिक्चर देखेंगे तो आपका जो सोच है, जो गंदी मानसिकता है कुछ लोगों की, नफरती चिंटुओं की, वो सब बदल जाएगी। मूवी देखकर आ गया, कैसी लगी आपको मूवी, क्या रेस्पॉन्स है आपका, फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या है मूवी के? देखिए मूवी बहुत अच्छी है, मैं मूवी को 5 स्टार देती हूँ। जिस हिसाब से शाहरुख खान ने बोला था कि कुर्सी की पेटी बांध लो, बिल्कुल सही कहा था कि कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि पिक्चर आपको 1 मिनट भी उठने का मौका नहीं देगी। पिक्चर इतनी एंटरटेनिंग है, आप जब मूवी देखेंगे तो आपको मन ही नहीं करेगा उठने का। दीपिका इतनी खूबसूरत लग रही है, तो आज तक उसकी ऐसी कोई मूवी नहीं थी जितनी खूबसूरत वो इस पिक्चर में लगी। कहीं टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं कोई नहीं, सब खाली पड़ा हुआ है, आप खुद देख लीजिए, टिकट्स नहीं मिल रही हैं। मुझे अपने परिवार के साथ आना था, काफी लोगों के साथ आना था, फ्रेंड्स के साथ आना था, लेकिन मैं अकेली इसलिए आई हूँ कि मुझे टिकट्स अवेलेबल नहीं है। इनिशियली जो बुकिंग हुई है वो सारे रिकॉर्ड्स पार कर गई है, वेंसडे से लेकर के संडे तक हाउसफुल है। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि पब्लिक का रिस्पॉन्स होता है, पब्लिक का रिस्पॉन्स इतना ज्यादा अच्छा है कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो कमिंग वीक है उसमें भी आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि जिसने मूवी देखनी है वो देख लीजिए क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं है। आपको क्या अच्छा लगा इस फिल्म में, क्या अच्छा लगा? देखिए सब कुछ अच्छा है, हर चीज का एक कॉम्बिनेशन है इसमें, ड्रामा भी है, एक्शन भी है, इमोशन भी है, हल्का सा रोमांस भी है। जिस हिसाब से मैं बोलना चाहती हूँ, शाहरुख खान हर मूवी में किस करते थे, इस मूवी में उन्होंने कक किक करके दिखा दिया है। और बेस्ट पार्ट ये था कि जब करण अर्जुन की एंट्री होती है, सलमान खान की, तो फैंस इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं, हर सीन पे वो हूट करते हैं। खान गैंग की इतनी तारीफ क्यों कर रही है, कसीदे पढ़ रही है? देखिए हम तो कला की तारीफ करते हैं, इट इज नॉट खान गैंग। जो अच्छा कला शो करता है, जो अच्छा अपना कला, अच्छा कलाकार होता है, लोग उनको देखना पसंद करते हैं। और शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित करके दिखा दिया है कि उनको कोई मिटा नहीं सकता, उनको कोई हटा नहीं सकता। बॉलीवुड पे वो बहुत देर से राज कर रहे थे, वो करते रहेंगे। बड़े एक्टर थोड़ी है शाहरुख खान। देखिए अनुपम खेर का अपना अंदाज है, इनका अपना अंदाज है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। आपको क्या लग रहा है भगवा का अपमान कहां-कहां हुआ पूरी फिल्म में? भगवा का अपमान कहीं नहीं हुआ। अब देखिए नफरती चिंटू और ये जो भड़काऊ गैंग है, इन्होंने खूब कोशिश करी और कहीं ना कहीं
सेंसर बोर्ड पे बहुत प्रेशर था, सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई लेकिन उन्होंने भगवा रंग पे कैंची नहीं चलाई, बेशरम रंग पे भी कैंची नहीं चली और भगवा रंग पे भी कैंची नहीं चली। तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कुछ ऐसा अभद्र नहीं था, कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं था, वो चीज़ ठीक थी, ट्रेलर भी ठीक था, या कुछ नफरती चिंटू थे जो नफरत फैला रहे थे। लेकिन आज वही छुप करके बिल में छुप गए हैं क्योंकि एडवांस बुकिंग इतनी हो गई, लोगों को इतना पसंद आ रहा है। और फैंस के आप सुबह आकर के देखा नहीं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि खड़ा होने का मौका नहीं था, 15 मिनट लेट शो शुरू हुआ है क्योंकि फैंस की भीड़ इतनी ज़्यादा किस्मत हालत में इकट्ठी हो गई थी। क्या लग रहा है, हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि कुछ नफरती चिंटू है, भड़काऊ गैंग के लोग हैं, उनको सिर्फ पैसे मिलते हैं, 15-20 रुपए पैसे मिलते हैं कि वो ट्वीट करते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, लेकिन हिंदू जागा हुआ है, वो बॉलीवुड को सपोर्ट करता था, करता है और करता रहेगा। और शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म मतलब ये मानी जा रही है कमाई के बतौर, और जिस तरीके से इसको हाइप मिल गया, वहीं उन्होंने एक प्रचार के लिए नहीं उतरे इस फिल्म के लिए, प्रचार की जरूरत ही नहीं थी, लोगों ने इतना उसको प्यार दिया है, शाहरुख को इतना प्यार दिया, हर सॉन्ग पे उसके रील बनाई है और इतने सॉन्ग को अप्रिशिएट किया है। ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तब लोगों में इतना वो वेट कर रहे थे कि उत्साह था कि कब मूवी रिलीज हुई, जब उसको इतना ज्यादा लोगों ने प्यार कर दिया तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है। अब मानवी तनेजा कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है, आज से मानवी तनेजा आराम से घर बैठ जाएगी। देखिए आज से मेरा कॉन्टैक्ट ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? हाँ। पिक्चर के लिए हमें सपोर्ट करना था, लोगों को अवेयरनेस दिलानी थी, मैंने दिला दी, अब लोगों को पसंद आ रही है। जैसे बोला था पठान का इतना विवाद करा था, पठान का कितना ज़्यादा विरोध किया था इन लोगों ने कि पठान को रिलीज़ नहीं होने देंगे, पठान को गलत परसेप्शन बनाया था, लेकिन जब मूवी देखी है तो लोगों का परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा। मैं स्टोरी लाइन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ व्यूअर्स और ऑडियंस जा करके मूवी देखें, पर जिस हिसाब से ये नफरती फिल्म हॉल में क्या रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, हर मिनट वापस जा रहे हैं। वो तो देखिए नफरती चिंटुओं का तो आदत है कुछ ना कुछ बोलने का, अब उनको मुंह पे चपेड़ पड़ा है, बहुत बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि जितनी कोशिश उन्होंने कर दी थी, बायकॉट कर दीजिए पठान को, बायकॉट कर दीजिए बॉलीवुड को, और मुझे लग रहा है बॉलीवुड की अभी तक की बेहतरीन फिल्म है ये फिल्म। ऐसी पहले हिंदू की भावनाओं का बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ भी स्टोरी लाइन के बारे में बताना नहीं चाहती, पर मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जो परसेप्शन बनाई थी पठान की वो बिल्कुल उल्टी निकलेगी, वो वैसी है ही नहीं। और तभी आप देखिए सेंसर बोर्ड ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करा, वो चाह करके भी कैंची नहीं चला पाए, लेकिन वो मुझे मालूम है कि किस परिस्थितियों में उनको थोड़ा सा दबाव था, उनको दबाव था, कई भावनाएं आत होगी आपको। अगर सेंसर बोर्ड किसका है, मेरा है या आपके माइक का है या बीजेपी का है, सेंसर बोर्ड किसका है? जब सेंसर बोर्ड ही कैंची नहीं चला पाया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पिक्चर में ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था, जबरदस्ती का क्रिएट किया गया। और आप पिक्चर देखेंगे तो आपका जो सोच है, जो गंदी मानसिकता है कुछ लोगों की, नफरती चिंटुओं की, वो सब बदल जाएगी। दो दिन में लाल सिंह चड्ढा वाला हाल होने वाला है, संडे तक तो बुकिंग ही नहीं है। मैं खुद अकेले आई हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं आ पाई, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं आ पाई क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिली है, और मैं अभी भी टिकट सर्च कर रही हूँ, मुझे टिकट नहीं मिली है संडे तक। ये जो दिखाया जा रहा है, जो लोग बोल रहे हैं सारे फर्जी लोग हैं, फर्जी सर्वे दिखाया जा रहा है, फर्जी फोटो दिखाया जा रहा है, सब एडिटेड है, कोई नहीं देखने जा रहा है, प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है ताकि कुछ थोड़ी बहुत फिल्म चल जाए। तो फर्जी बॉक्स ऑफिस भी है, ये जो लोग कह रहे हैं कि हर चीज फर्जी है, तो फर्जी बॉक्स ऑफिस भी है, तो हर चीज को फर्जी बना लीजिए। दो दिन में धड़ाम हो जाएगा सर, दो दिन में कुछ धड़ाम नहीं होगा, पिक्चर 1200 से ऊपर जाएगी, 1200 करोड़ से ऊपर कमाएगी। हाँ। और जितनी ये पिक्चरें आई थी टॉलीवुड की, और ये जितना सब थी, सबसे परे है पिक्चर, इतनी डिफरेंट है, जो सोचा था वो उससे बहुत ही कहीं आगे है। क्या आपको लग रहा है मैम, बिकनी नहीं पहननी चाहिए थी भगवा कलर की? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, तो अगर उसने भगवा रंग की बिकनी पहन ली तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं पहनना चाहिए, बचना चाहिए था। क्यों नहीं पहनना चाहिए था? रंग इतना खूबसूरत है, ये देखिए इन्होंने भगवा रंग की जैकेट पहनी है, क्या कोई इस पे आपत्ति करेगा? इतना खूबसूरत रंग है, उसको भगवा मत बोलिए, उसको बोलिए ऑरेंज रंग। भगवा बोलेंगे तो मुझे लगता है बीजेपी का पेटेंट रंग बोल रहे हैं आप, वो ऑरेंज रंग है। सूरज का जो किरण है वो भी भगवा रंग की है, वो भी ऑरेंज कलर की है। हम जिसपे खाना बनाते हैं जो आंच होती है वो भी ऑरेंज कलर की होती है, तो फिर कल का मुझे बोलेंगे अरे इस पे तो सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनाओ, मांस मच्छी मत बनाओ, उसमें भी हमारा अपमान है। तो ये अपनी सोच से मुझे लगता है लोगों को उठना, शाहरुख खान का स्टंट है ताकि फ्री में प्रमोशन हो जाए। शाहरुख खान तो ये बायकॉट किसने किया? ये बीजेपी के कुछ लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया, शाहरुख खान ने थोड़ा किया, वो तो अपना चुप करके बैठा है। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो मूवी रिलीज हुई है, शाहरुख खान ने अपनी कला से, अपनी जो मूवी का जो अट्रैक्शन से, जो इतने खूबसूरती से जो मूवी बनी है, उन्होंने नफरती चिंटू का कर दिया है। उसने नफरती चिंटुओं की कर दी है बोलती बंद।
हकला वाला कोई एक्टिंग है कि नहीं इसमें? मैं स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं चाहूंगी कि जो भी देखना चाहते हैं वो टिकट खरीदिए और देखिए, क्योंकि अगर हम स्टोरी बता देंगे फिर वो चार्म खत्म हो जाता है। कई लोग ये कह रहे हैं मानवी तनेजा लगातार जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं, मानवी तनेजा का इस फिल्म में कितना कमीशन है? मेरा सिर्फ लोगों को अवेयर करने का है कि लोगों को अवेयरनेस दिखाऊं कि रंगों में धर्म मत ढूंढिए, रंगों को रंगों की तरह देखिए, रंग बहुत खूबसूरत होते हैं। मनोरंजन में धर्म ले आए हिंदू टारगेट करके मनोरंजन करेंगे तो उस वक्त आपकी भावनाएं और आपकी सेंटिमेंट्स कब जाती है? जो कंगना जूता रखती है भगवा रंग पे तब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तब आपको पति नहीं होती। अगेन अगेन मैं बोलूंगी कंगना कुछ भी पहन लेगी, आप कंगना के भगवा पे पहनने में बिकनी पहनने पे तो आंखें सेकते हैं, और यहाँ पे आपको पति होती है, यहाँ पे आपको सही नहीं लगता। दीपिका ने कर दिया, दीपिका बहुत खूबसूरत लगी है। ये जो लोग बोलते हैं मुझे जलने की बू आती है उनसे, मुझे जलने की लिटरली बू आती है, क्योंकि दीपिका को आप कंपेयर नहीं कर सकते उसकी खूबसूरती, वो बहुत सुंदर लग रही है। चौहान के कह रहे हैं कि बायकॉट करो, अगर कुछ होता तो हम वेस लगेगा तो खर्चा कुछ भी होगा तो हम देखेंगे, खर्चा हम उठाएंगे। लोगों ने, जनता ने, उसके फैंस ने, ऑडियंस ने मुंह तोड़ जवाब सबको दे दिया है जिन्होंने कहा था बायकॉट करो, किसी ने बायकॉट नहीं किया। सब सुबह आ गए यहाँ पे, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, 200 बंदा इकट्ठा हो गया, इतनी मुश्किल से अंदर एंट्री मिली, और पिक्चर भी 15 मिनट लेट शुरू हुई क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत सारी इकट्ठी हो गई। और आप खुद भी देख रहे हैं यहाँ हाउसफुल का बोर्ड भी लगा हुआ है, टिकट्स आपको मिल नहीं रही है, लोगों ने जवाब दे दिया है, लगा हुआ है। आप देख लीजिए बीजेपी का चश्मा उतार रही है, जनता का चश्मा पहन लीजिए आप। मुझे लगता है ये ना बीजेपी का माइक लेकर के चलते हैं, कान तो आपके थे ही थे, आंखें भी आपकी बीजेपी की होगी, आपको ना अंधे हो गए हो वहाँ पे, आपको हाउसफुल का बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। और शाहरुख खान ने इस बार फिर साबित कर दिया कि उसको कोई मिटा नहीं सकता है, उसकी फैन फॉलोइंग थी, है और हमेशा ही रहेगी। वो बादशाह ही रहेंगे, और बादशाह को कोई हरा सका है? किस में, किस माइका लाल में ऐसा दम है जो बादशाह को हरा दे? क्योंकि बार बार न्यूज में आया कि सीन्स काटे गए हैं जिस पर आपत्ति थी लोगों को, देखिए 12 सीन्स कटे गए हैं, उसको मैं बहुत क्लियरली इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो पिक्चर को देखने के बाद सीन्स कटे गए, और हमारे पास सामने आए दो गाने और एक ट्रेलर, तो उसमें क्लैरिटी नहीं मिल सकती कि क्या। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है मुझे पता है भगवा रंग का है, भगवा रंग दिखाया गया है, बेशरम रंग भी दिखाया गया है, और भगवा रंग के बाद 5 मिनट का और सीन है जिसमें उसे भगवा रंग पहना है। वो सारे रंग खूबसूरत है, बेशरम रंग गाना मैं फिर कोट कर दूं गाना, क्योंकि आप लोग हमेशा गलती ले जाते हैं, तो बेशरम रंग का गाना भी दिखाया गया, भगवा रंग भी पहना, और उसके पास 5 मिनट का उसका सीन है, उसी वस्त्र में है। तो अगर ऐसा कुछ लगता, और आप मुझे बताइए आपको लग रहा है भगवा रंग का अपमान कर रहे हो, तो दीपिका पहली ऐसी हीरोइन थी। फिर भी एक सलाह देगी कि आगे भगवा कलर की बिकनी ना पहने? नहीं नहीं नहीं, अगर इतना ही है तो बीजेपी पेटेंट करा दे। अगर बीजेपी को इतनी प्रॉब्लम है, बीजेपी का इतना लग रहा है कि भगवा रंग का अपमान हो रहा है, तो उसको पेटेंट कराए, उन्हीं के सिर्फ जो MLA और कार्यकर्ता है वही भगवा रंग पहने और कोई ना पहने। बहुत अच्छे, जब करण अर्जुन आ जाते हैं स्क्रीन पे तो लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाता है, वो हूट पे हूट करते रहते हैं, और लोग बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं हर सीन में। मतलब मुझे 2 मिनट सोचने पे लग रहा था क्योंकि लोगों की इतनी तालियों की गूंज थी, लोग नाच रहे थे। दर्शकों को एक डायलॉग आखिर में, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मेरे हिसाब से मौसम बिगड़ गया है, और पिक्चर आपको सोचने का मौका देगी नहीं, इंटरवल पे भी नहीं आप उठेंगे क्योंकि आपको लगेगा अगर आप इंटरवल पे उठ करके पेप्सी पॉपकॉर्न लेते हैं तो आप 2 मिनट का सीन कहीं ना मिस कर दें। तो मैं भी नहीं उठी थी।